अगर आपका आधार कार्ड डिसेबल है या फिर सस्पेंडेड है। तो फ्रेंड्स ये मैंने लाइव अपने आधार कार्ड को ठीक किया है। हमारा जो आधार कार्ड था वो डिसेबल हो गया था यानी कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो उसको किस तरीके से हमने फिर से रिज्यूम किया है, मतलब किस तरीके से दोबारा से उसको उसी आधार नंबर को फिर से ओपन किया है, चलिए इस वीडियो में लाइव देखते हैं। आपको सबसे पहले देखिये UIDAI की वेबसाइट पे आ जाना है, ये मैंने सर्च किया है। अगर आपके आधार कार्ड में ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले यहीं पे चेक किया जाता है कि आपका आधार सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंग्लिश चूज करेंगे और ये मेथड आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। जो ये प्रोसेस मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉपअप आता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ गाइज, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपके आधार कार्ड में जो डिसेबल वाली प्रॉब्लम है, चलिए मैं दिखाता हूँ क्या डिसेबल वाली प्रॉब्लम आती है। एक बार आप लाइव देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि वाकई मैंने ठीक किया क्या है, ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन है, जब भी आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करने जाएंगे तो एरर आपके सामने आ जाएगा कि हाँ इस आधार कार्ड में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है, हालांकि यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और इस कैप्चर को फिल करेंगे। ये हमने मेल किया था, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आधार नंबर ये रहा, यहाँ पे जो कैप्चा जो लिखा हुआ है इसको टाइप करेंगे एंड यहाँ पे लॉग इन विथ OTP। तो देखिए योर आधार, आपके पास ये एरर शो कर चुका है, योर आधार हैज बीन सस्पेंडेड और कैंसल्ड, प्लीज वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ योर आधार। मतलब स्टेटस चेक कीजिए और पहले अपने आधार की वैलिडिटी चेक कीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी आधार सेंटर पे जाना होगा और वहाँ पे अपनी बायोमेट्रिक को अपडेट करना है, ठीक है। मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको अपने नियरेस्ट आधार सेंटर पे जाना है और अपने बायोमेट्रिक को अपडेट करा देना है। अगर ये सस्पेंड वाली प्रॉब्लम, देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये अगर ठीक कराने जाएंगे तो कहीं भी ठीक नहीं होगा और बिल्कुल आप परेशान रहेंगे, आधार सेंटर वाला भी ठीक करके नहीं देगा। तो उनसे बोलना कि सर आप बस खाली बायोमेट्रिक हमारा अपडेट कर दो, वो बायोमेट्रिक अपडेट कर देंगे, आपको स्लिप मिल जाएगी। अब चलिए ईमेल पे, यहाँ पे इसको मैं रहने देता हूँ, अब ईमेल पे चलते हैं। जब आपका बायोमेट्रिक अपडेट हो जाएगा तो आपको ये स्लिप मिलेगा, मैं स्लिप दिखा देता हूँ। देखिए मैं इसको सिक्योरिटी पर्पज के लिए ब्लर कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगी। और ये आपका एनरोलमेंट नंबर है, यहाँ पे डेट है और ये टाइम है, ये बायोमेट्रिक देखिए मैंने अपडेट कराया है। तो इसको चलिए मैं बैक करता हूँ। तो गाइस इस तरीके से जो हमने मैसेज लिखा हुआ है, ये जो मैसेज शो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको कॉपी कर लिया है, देन ईमेल में इसको पुट कर दिया है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल लिया है, आपको अपने बिहाफ पे इस तरीके से लिख लेना है, ये फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको ओनली कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ठीक है, ईमेल आईडी ये रही, ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, help@uidai.gov.in, ठीक है। ये ईमेल आईडी, इसी पे आपको ईमेल करना है। ईमेल करने के बाद 24 घंटे वेट करेंगे, आपके पास रिप्लाई आएगा। रिप्लाई अगर नहीं आता है तो उसी ईमेल को फिर से फॉरवर्ड करेंगे। देखिए मेरे पास रिप्लाई नहीं आया था, फिर मैंने क्या करा, फिर से फॉरवर्ड किया इसी ईमेल को, तब जाके फाइनली ईमेल आया मेरे पास, ये देख सकते हैं, थैंक यू फॉर ब्रिंग। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि आपकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है। जब भी आप इसका स्टेटस चेक करने जाएंगे, यहाँ पे दिखाता है कि विजिट द वेबसाइट, यहाँ पे स्टेटस चेक करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट टाइम ओपन होगा, बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है साइट, लेकिन यहाँ पे स्टेटस आप चेक नहीं कर पाएंगे, यहाँ से स्टेटस चेक होता ही नहीं है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, चेक इनरोलमेंट अपडेट स्टेटस, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे SRN वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे SRN नंबर डालेंगे, इस कैप्चर को फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, यहाँ से कॉपी किया। तो देखिए ये जो SRN है यहाँ से कॉपी करेंगे इसको एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो ये इनवैलिड बताता है, देखिए प्लीज एंटर वैलिड SRN। तो यहाँ पे ये वेबसाइट की प्रॉब्लम है, यानी क्या है, हमने कस्टमर केयर से बात भी की, 1947 पे कॉल करना है, पहले अपना स्टेटस चेक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपके सामने स्टेटस चेक करके दिखा देता हूँ, चलते हैं फोन पे, 1947 हमें टाइप कर देना है, ओके ठीक है। लाउड स्पीकर ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको आवाज आपको आती रहे। ओके, लाउड स्पीकर मैं ऑन इसलिए किया है ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि हमने क्या ऑप्शन चूज किया है और किस तरीके से स्टेटस अपना चेक किया है IVR के माध्यम से। ओके, मामला दर्ज करने या मौजूदा मामले की स्थिति की जांच करने के लिए 3 दबाएं। हमें यहाँ पे 3 दबा लेना है क्योंकि हमें अपने मामले के बारे में जानना है। मुख्य मेन्यू में वापस जाने के लिए अब यहाँ पे हमें 1 दबा लेना है। से बात करने के लिए कृपया SRN नंबर दर्ज करें, तत्पश्चात #दबाएं। तो चलिए हम SRN नंबर टाइप कर देते हैं, यहाँ पे S छोड़ देंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2020 96 79 123 000 और #दबा दिया, लास्ट में #दबा देना। पहुँच गए हैं 4879000। पुष्टि के लिए 1 दबाएं या दोबारा प्रयास, आपके केस नंबर की स्थिति 4874790 है। आपकी शिकायत का समाधान हो गया है। स्थिति देखने के लिए आप UIDAI की वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कॉल चालू है लेकिन मैंने इसको म्यूट कर दिया, शिकायत का समाधान हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, स्टेटस चेक करने के लिए आपको डायल ही करना पड़ता है,
नंबर जब हम डायल करते हैं ना तो यहाँ पे डायल पैड में एस का ऑप्शन नहीं आता, डायरेक्ट नंबरिंग आती है, ठीक है, जब भी हम कॉल डायल करते हैं तो आपको ये एस छोड़ देना है और टू से स्टार्ट कर देना है, मतलब यहाँ से ये जो एस आर एन एस जो है इसको छोड़ देना है और बाकी उसके आगे का डायल कर देना है। डायल करके स्टेटस चेक कर लेंगे, 30 दिन के अंदर अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमने कस्टमर केयर से भी बात की थी तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके आधार कार्ड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब भी आपको स्टेटस चेक करना हो तो एस आर एन के माध्यम से 1947 पर कॉल करेंगे और अपना स्टेटस चेक कर लेंगे। ओनली ईमेल के माध्यम से ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ईमेल कैसे करना है ए टू जेड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, इसके लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। जो भी स्टेप बाय स्टेप करना है ना वो सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, तो बेहतर होगा आप वेबसाइट पे एक बार विजिट कीजिए और पढ़िए उसको, अगर पढ़ लेंगे तो आपके यहाँ पे बहुत सारा पैसा बच जाएगा। और फ्रेंड्स इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।